नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जयपुर के मालवीय नगर इलाके के ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हत्यारे को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है, नजदीकी परिचित ही है हत्यारा। पूर्व में भी परिचित और पीड़ित परिवार के बीच में कई बार हो चुकी है लड़ाई। अब हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में दबिश दे रही है पुलिस। मालवीय नगर थाने के बाहर मृतकों के परिजन और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई है। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है मालवीय नगर इलाके के ट्रिपल मर्डर मामले में। ये बड़ा अपडेट सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है ट्रिपल मर्डर में, जिसमें कि हत्यारा जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। आप किस तरीके से इस कार्रवाई को पुलिस आगे अंजाम दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये 13 हत्याकांड हुआ है, इसमें जो हत्यारा है उसको आखिरकार पुलिस ने आइडेंटिफाई करने में सफलता प्राप्त की है। और हत्यारा और कोई नहीं, जो पीड़ित परिवार है उनका ही पड़ोसी बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच में कई सालों से रंजिश चल रही थी, और इसी रंजिश के चलते कल जो हत्यारा है उसने इस पूरे जो निर्मम 13 हत्याकांड है उसको अंजाम दिया। फिलहाल जो हत्यारा है वो अभी फरार चल रहा है, लेकिन उसके जो परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड में उसका सहयोग किया था, उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उनसे लगातार मालवीय नगर थाने में पूछताछ चल रही है, और जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके जो तमाम संभावित ठिकाने हैं वहां पर पुलिस की अलग अलग टीम दबिश की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार करके इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, यहाँ पर देखिए बड़ा अपडेट तो सामने आया ही है, साथ में पुलिस की तरफ से भी, क्या परिजनों की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट सामने आया है? जी देखिए, जिस तरह से अभी हम मालवीय नगर थाने पे ही मौजूद थे और उनके जो परिवार के सदस्य उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि अभी वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं, लेकिन उनका यही कहना है कि उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था कि छोटे मोटे झगड़े जो पड़ोसी के साथ कई सालों से हो रहे हैं, चाहे वो पानी की बात को लेकर हो या अन्य बात को लेकर हो, उसको लेकर वो इतनी निर्मम तरीके से 3 जनों की हत्या करेंगे, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। वही मैं बताना चाहूंगा कि ये बात भी सामने आई कि जो हत्यारा है वो केवल जो महिला है, जो बच्चों की माँ है, उसकी हत्या करने के इरादे से कमरे में घुसा था, और दोनों बच्चे कमरे में सो रहे थे, और जैसे ही महिला की हत्या की गई तो दोनों बच्चे उठ गए। ऐसे में जो हत्यारा है उसको ये डर लगा कि कहीं बच्चे उसे पहचान ना जाए और पुलिस उसको पकड़ ना ले, इसके चलते उसने दोनों बच्चों की भी निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद फिर मौके से फरार हो गया। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसके आधार पर ही जो हत्यारा है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, और अब उसको जल्द गिरफ्तार करने के बाद इस पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा। जी विनय, लेकिन बात यही है कि मामूली झगड़ा होता है, पड़ोसियों में झगड़े होते रहते हैं, आम बात होती है, लेकिन ऐसा क्या खून सवार हो गया था उसके ऊपर कि उसने तीनों की हत्या कर दी? जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि पहले उसने बच्चों की मां को मारने की कोशिश की, तरीके से वो गया था, घुसा था घर के अंदर, उसके बाद उन छोटे मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, उनको क्यों मार दिया? जी बाकी देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि केवल मां की हत्या करने के इरादे से ही वो हत्यारा कमरे में घुसा था, और लेकिन दोनों बच्चे जब उठ गए तो कहीं वो पकड़ में ना आ जाए, इसके चक्कर में उसने बच्चों की भी निर्मम हत्या कर दी। और उन जो पड़ोसी है, बताया जा रहा है कि उसमें जो उस परिवार की जो महिला है वो उसके द्वारा कॉलोनी में रहने वाले हर व्यक्ति से झगड़ा किया जाता है, वो काफी झगड़ालू प्रवृत्ति की है। तो ऐसे में कई पहलू है इस पूरे मामले को लेकर जिसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 13 हत्याकांड को और वो भी इतनी निर्ममता से अंजाम क्यों दिया गया, ये हत्यारे को गिरफ्तार करने के बाद ही क्लियर हो सकेगा। जी विनय, जैसा कि आप बता रहे हैं, और ये देखिए बेहद ही निर्मम तरीके से मारा गया है, ये हत्या की गई है, झगड़े होने की बात हुई थी, लेकिन देखिए कि क्या इनमें कभी समझाइश बुझाइश नहीं हुई थी, क्या किसी ने आके ये मामला सुलझाने की कोशिश नहीं की थी? जी देखिए, बताया जा रहा है कि जो झगड़ा दोनों परिवारों के बीच में होता था वो भी कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से कल हम मौके पे गए थे और हमने हमारे दर्शकों को भी दिखाया था कि काफी कंजेस्टेड वो एरिया है जहाँ पे ये 13 हत्याकांड हुआ है, और वहाँ पे जो घर हैं वो आपस में काफी अटैच हैं। तो ऐसे में जो छोटे मोटे झगड़े हैं, चाहे पानी की बात को लेकर हो, पार्किंग की बात को लेकर हो, वो होते रहते हैं, लेकिन किसी भी कॉलोनी वाले ने ये नहीं सोचा था कि ये छोटे से जो झगड़े हैं वो इतना बड़े रंजिश का रूप ले लेगा कि 3 जनों की इस तरह से निर्ममता से हत्या कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए 13 हत्याकांड में बड़ा अपडेट है यही कि केवल माँ की हत्या करने के इरादे से ही आया था हत्यारा। माँ के साथ कमरे में सो रहे थे दोनों बच्चे, सुमन बिष्ट की सबसे पहले की गई हत्या, माँ की हत्या के दौरान ही टूट गई दोनों बेटों की नींद। ऐसे में पकड़े जाने के डर से हत्यारे ने दोनों बेटों की भी निर्मम हत्या कर दी। तो ये बड़ा अपडेट इस बीच सामने आ रहा है, दर्शकों को बता रहे विनय हम कि यहाँ पर देखिए पीड़ित परिवार का पड़ोसी ही बताया जा रहा है हत्यारा, कई सालों से चल रही थी दोनों परिवारों में रंजन
साजिश। बिल्कुल विनय, तो यहां पर हत्या के इरादे से तो ये उनकी मां को मारने के लिए आया था जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं और हम अपडेट बता रहे हैं दर्शकों को, लेकिन उन बच्चों की यहां पर कोई गलती नहीं थी, उन बच्चों की इस तरीके से निर्मम हत्या कर देना। अच्छा, पुलिस की तरफ से विनय अभी फिलहाल क्या स्टेटमेंट सामने आ रहा है, कब तक इसको पकड़ा जाएगा? जी देखिए, जो पुलिस की टीम है वो लगातार लगी हुई है हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए, और उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं वहाँ पे दबिश दी जा रही है। हालांकि जिस तरह से जी मीडिया से खास बातचीत में जो मालवीय नगर SHO है उन्होंने बताया है कि जो हत्यारा है उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार उन दो मासूम बच्चों की क्या गलती थी, उनकी हत्या क्यों की गई, इस सवाल का जो जवाब है वो पुलिस भी ढूंढ रही है, और इसका जवाब जो हत्यारा है उसको पकड़ने के बाद ही हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से तीन जनों की निर्मम हत्या की गई तो ये मान के चला जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत जो एक प्लानिंग की गई थी हत्याकांड की, क्योंकि जो हत्यारा उसके पास पिस्टल भी थी जो कि वो मौके पे ही धक्का मुक्की में उससे गिर गई थी, वो पिस्टल पुलिस ने बरामद की है, चाकू से निर्मम हत्या की गई, दो फायर भी किए गए हैं, तो ऐसे में इतनी रंजिश क्या थी और मल्टीपल वार किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही जो डेड बॉडीज हैं उस पर मल्टीपल वार हैं, चेहरे से लेके चाहे पीठ की बात की जाए चाहे छाती की बात की जाए, पूरे शरीर पर काफी मल्टीपल वार उसने किए हैं। तो ऐसे जो हत्यारे होते हैं या तो साइको टाइप के होते हैं, जो पुलिस के अधिकारी उनका भी कहना है, क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो प्लानिंग के तहत की जाती है, और ऐसी इतनी भी क्या रंजिश थी कि इतनी निर्मम तरीके से इन तीनों की हत्या की गई, ये तमाम जो सवाल है उनका जवाब हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद ही मिल सकेगा। जी बिल्कुल विनय, तो यहाँ पर अब राज कहीं खुलेंगे कि आखिर इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी निर्मम तरीके से हत्या, और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कोई साइको ही हो सकता है इस तरीके से इतने वार करने के बाद, और ये पूरे षड्यंत्र के साथ ही घर में घुसा होगा। बहुत शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन हम आपको लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं कि ये केवल मां की हत्या करने के इरादन से ही घर में घुसा था, लेकिन जैसे ही साथ में बच्चे जो सो रहे थे, जैसे ही उसकी उनकी मां की चीख पुकार सुनी होगी, उनकी नींद टूट गई, और ऐसे में उस हत्यारे ने यह भी नहीं सोचा कि वो मासूम छोटे बच्चे हैं, उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। तो देखिए, दोनों बच्चों को भी साथ में उस निर्दयी ने मार दिया, और अब पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है, जल्द से जल्द जैसे ही हत्यारा उनकी पकड़ में आ जाएगा वैसे ही आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, और हम ज्यादा अपडेट के साथ आपको बताएंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। फिलहाल यहां पर बड़े ही निर्मम तरीके से मां और बेटों को, क्योंकि 13 हत्याकांड है ये, मां और बेटों को मार दिया गया यहां पर। तो देखिए, जल्द ही पता चलेगा कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि जिसके चलते इतनी सनक सवार थी कि इस साइको किलर ने इतने वार किए कि तीनों को उसने मौत के घाट उतार दिया।